मेरा नाम कारा है, लड़ने में मदद करूंगी। इंटरेस्टिंग टीम है, मदद चाहिए। एक मिनट, ये बैटमैन है? हे गाइस, क्या हाल चाल है। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है हाल फिलहाल में रिलीज हुई द फ्लैश मूवी की ओटीटी और डिजिटल रिलीज के बारे में। लेकिन उससे पहले शायद हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना, आवाज बदली सी लग रही है। सो वेल, मेरा नाम है ईश्वर सिंह और मैं लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के लिए बोनस वीडियो बनाता हूँ। बोनस इसलिए क्योंकि हम एक्स्ट्रा है, जो अपने बड़े भैया है उनकी रेगुलर वीडियो इस चैनल पे पोस्ट होती रहती है और उनकी वीडियो इसी पेज पे पोस्ट होगी जैसे पहले होती थी। मैं तो बस बोनस हूँ भाई। अब इंट्रोडक्शन हो गया तो कमेंट्स में हाय लिख दो। So now, let's begin with The Flash की डिजिटल और OTT रिलीज डेट जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कैसे कर रही है, क्योंकि OTT की डेट इंटरकनेक्टेड होती है बॉक्स ऑफिस से। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब द फ्लैश ने $140 मिलियन की अर्निंग कर ली है, जो कि ब्लैक एडम से भी कम है। यहाँ पे ब्लैक एडम को याद रखना क्योंकि ब्लैक एडम के बेस पे ही वर्डिक्ट होगा। अब देखो मूवी की स्ट्रीमिंग काम कैसे करती है, तो यहाँ पे स्टूडियोस मूवी की परफॉर्मेंस देखता है, जहाँ पे स्टूडियो 45 से 60 डेज का वेट करता है मूवी के थिएटर रिलीज होने के बाद स्ट्रीमिंग तक। लेकिन जो मूवी की वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है, यानी जिसको हम डिजिटल रिलीज भी बोलते हैं, वो बहुत पहले हो जाती है और वो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से होती है। जितना कम मूवी कमाएगी उतनी ही जल्दी वो वीडियो ऑन डिमांड यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती है। जैसे शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मार्च 18 को रिलीज होकर 7 अप्रैल को आ गई थी डिजिटल पर। तो सारे फैक्टर और अलग अलग सोर्सेस को देखकर द फ्लैश मूवी जुलाई 7 या जुलाई 15 के आसपास रिलीज हो जाएगी डिजिटल पे, जिसका मतलब ये है द फ्लैश जुलाई के बीच में अमेजोन प्राइम स्टोर, बुक माई शो, गूगल प्ले, हंगामा प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो जुलाई 7 से 15 के बीच तो वो टाइम रहा जहाँ पे आपको HD में देखने को मिल जाएगा। और ये भी फ्लक्चुएट हो सकता है बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि अगर मूवी बहुत ज्यादा कम भी कमाती है तो थिएटर्स में ज्यादा देर चलाने से स्टूडियो का ही खर्चा बढ़ेगा। इसलिए ये तो मिनिमम डेट है, अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ये पीछे भी खिसक सकती है। और अब चलो OTT जो कि डिजिटल से अलग होता है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये आएगी कहाँ पे, तो करंट ट्रेंड्स को देखते हुए द फ्लैश जियो सिनेमा पे रिलीज की जाएगी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की अभी करंट डील सिर्फ जियो सिनेमा के साथ है। लेकिन इस पे हमें थोड़ी और डिटेल में बात करनी होगी जो कि हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए डेट्स पकड़ो। तो अगर हम सेम डे रिलीज को कंसिडर करें तो मैक्स पे यानी अमेरिका में जो मैक्स है वहाँ पे द फ्लैश स्ट्रीम होने लग पड़ेगी 60 दिनों के अंदर अंदर। और उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि फॉल में मूवी रिलीज हो जाएगी प्लेटफॉर्म्स पर, जिसका मतलब ये है कि द फ्लैश मूवी जियो सिनेमा पे 15 अक्टूबर और 4 सितंबर के बीच में रिलीज हो सकती है। अब मैक्स के लिए डेट तो यही रहेगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जियो सिनेमा को भी यही रिलीज डेट मिलती है कि नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और द लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, वहाँ पे आपको मिलते हैं तगड़े और रेगुलर अपडेट्स। हम जल्दी नई वीडियोस लेके आएंगे, तब तक बड़े भैया की वीडियो चेकआउट कर लो।